नेक्स्ट कॉलर हैं बबीता जी, स्वागत है आपका जी। नमस्कार मैम, मुझे पेट में प्रॉब्लम हो रही है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया। ब्लीडिंग हो रही है और मेरा टेस्ट कराया तो बच्चेदानी फैली हुई आई है और मेरी उसने रिस्पॉन्स बता दी। और क्या बताएं? 6 mm की। हाँ हाँ ठीक है, रसौली बता रही हूँ। ठीक है, एज बता दीजिए अपनी। जैतून का सिरका मंगा रही हूँ पहले आपके यहाँ से, उसकी क्या नॉर्मल आज भी ले सकता है? ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 36 साल। 36 साल, ठीक है जी। तो जैतून का सिरका नॉर्मल आदमी भी ले सकता है अगर वो ये चाहे कि उनको 6-7 रोग ना हो, तो नॉर्मल आदमी को लेना चाहिए। ये एक तो ये ब्लड प्रेशर नहीं होने देता, एक कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता, एक हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता, एक ब्रेन हैमरेज नहीं होने देता और एक डायबिटीज नहीं होने देता। बहुत सारे रोग ये होने नहीं देता, तो नॉर्मल आदमी भी ले तो ये सारे रोग नहीं होते। ये 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी मिलाकर दिन भर में 1 बार या 2 बार लिया जाता है, और अगर इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला लिया जाए तो ये और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और देखिए, बच्चेदानी में ऐसी गांठें अधिकतर महिलाओं के होती हैं और वो हिस्सा फैल भी जाता है, सूज भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा फिक्र ना करें। एक नुस्खा इसके लिए बता रहा हूँ, वो आप इस्तेमाल करें। एक आता है गौंद चिलगोजा, ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा। इसको असली खरीदें, नकली भी आने लगा है ये, और इसका पाउडर बना लें, काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए एक चुटकी गौंद चिलगोजा खाना है एक दिन में, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी। और खाना है एक चुटकी खाने का सोडा जो है, आप जानते ही हैं कि आपके किचन में मौजूद रहता है, हर किचन में, वो 1 गिलास पानी में मिला लें और इस पानी से 1 चुटकी चिलगोजा खाकर ये पानी पी लें। 1 बार ज़रूर पिए, बहुत ज़रूरत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं।